तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 8 से 15 तक। प्रभु ये कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंधुओं से ये कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उसका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले जाएगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिमिन के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन ये कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा।
पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 30 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में है उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।